नंबर वन, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर? ए मॉनिटर, बी कीबोर्ड, सी टेलीविजन. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टेलीविजन. टेलीविजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर. नंबर टू, विच इज एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ए मॉनिटर, बी कीबोर्ड, सी प्रिंटर. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कीबोर्ड. हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम. आज मैं आपके लिए क्लास थर्ड कंप्यूटर पैराडिक टेस्ट फर्स्ट के रिवीजन क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ. इससे पहले मैंने क्लास थर्ड के इंग्लिश एंड ईवीएस पेपर के रिवीजन क्वेश्चन डाले हैं. अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें. तो चलिए इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर थ्री, इट इज द कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी? रोम, रैम, डीवीडी. करेक्ट आंसर है रैम. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रैम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू ए टू, बी थ्री, सी फोर. कंप्यूटर की मेमोरी कितने भागों में डिवाइडेड है? टू भागों में, रैम एंड रोम. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टू. क्वेश्चन नंबर फाइव, द विंडो इज अ बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑप्शन ए जी यू आई, ऑप्शन बी सी यू आई, ऑप्शन सी पी यू आई. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जी यू आई. क्वेश्चन नंबर सिक्स, द बैकग्राउंड इमेज ऑफ डेस्कटॉप इज कॉल्ड. डेस्कटॉप के बैकग्राउंड इमेज को क्या कहते हैं? ए थीम, बी गैजेट, सी वॉलपेपर. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वॉलपेपर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, टू ओपन डेस्कटॉप आइकॉन बाय क्लिकिंग ऑन द आइकॉन. डेस्कटॉप के आइकॉन को क्लिक हम ओपन कैसे करेंगे? सिंगल क्लिक, डबल क्लिक या राइट क्लिक से? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डबल क्लिक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, द लॉन्ग बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड. डेस्कटॉप पे लंबा सा बॉटम में एक बार होता है, उसे क्या कहते हैं? ए टाइटल बार, बी स्टेटस बार, सी टास्क बार. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टास्क बार. क्वेश्चन नंबर नाइन, अ विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम वाज लॉन्च इन ईयर 2010, 2015 या 2018. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2015. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 1 megabyte इज इक्वल टू 1024. सो करेक्ट आंसर है बाइट, केबी एंड जीबी. करेक्ट आंसर है केबी. 1 megabyte इज इक्वल टू 1024 KB. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, राइट ट्रू एंड फॉल्स. रैम इज अ टेम्पोरी मेमोरी. ट्रू एंड फॉल्स, दिस इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर टू, हार्ड डिस्क इज अ प्राइमरी मेमोरी. दिस इज फॉल्स. This is false. Next question number, Blu-ray disc is used to store high quality sound and movie data. Blu-ray disc को use किया जाता है high quality sound and moving data को store करने के लिए. This is true. Next question number 4, 1 byte is equal to 10 bits. This is false. Question number 5, the device which is used to give input to computer is called output device. This is false. Number 7, pressing the key on the keyboard is called typing. Keyboard pe key ko press karna typing kehlata hai. This is
True. Number 7. A mouse is a pointing device. This is right. Mouse is a pointing device. Number 8. The output on a paper is called soft copy. This is false. Output on a paper is called hard copy, not a soft copy. This is soft copy, false. 9. We use speaker to record sound. Speaker का use हम sound को record करने में करते हैं. This is false. Speaker का use हम sound को सुनने में करते हैं. Number 10. System software help to run the computer hardware and system. System software computers hardware and system को run कराने में help करता है. So this is true. Next question number, fill in the blanks. The storage area of known as of the computers. यहाँ पर fill in the blanks में हमें देखना है कि क्या fill up होगा. The storage area is known as memory of the computers. यहाँ पे answer हो जाएगा memory. M-E-M-O-R-Y. Memory. Next है the primary memory is also called as memory is the main memory. Primary memory also called main memory. Secondary memory is the permanent dash in range. So secondary memory is permanent in nature. Next question number 4. CD write is fixed inside the CPU box. यहाँ पर fill up हो जाएगा CPU box. Next question number 5. Start button is located at part of the taskbar. Left part of the taskbar. Question number 6. Window contain mini program called gadget. G-A-D-G-E-T. G-A-D-G-I-G-E-T. Gadget. Number 7. The process of starting a computer is called booting. कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस कहलाती है बूटिंग कहलाती है. दिस इज कॉल्ड बूटिंग. नेक्स्ट हो जाता है विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडो क्या है? विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. ऑपरेटिंग सिस्टम. द स्मॉल इमेज ऑफ प्रोग्रामिंग डेस्कटॉप इज नोन एज स्मॉल इमेज. डेस्कटॉप पर स्मॉल इमेज प्रोग्राम के स्मॉल इमेज बने रहते हैं जिसे हम आइकॉन कहते हैं. आइकॉन. दिस इज आइकॉन. एंड नेक्स्ट अपना हो गया 10. अ माउस इज अ डिवाइस. माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं. मैच ऑफ द फॉलोइंग. ये हमें मैच करना है तो चलिए इसको मैच करके मैं आपको बताते जाती हूँ. दिस इज कैलकुलेटर. दिस इज स्टार्ट बटन. एंड नेक्स्ट दिस पीसी. ये हमारा दिस पीसी से अटैच हो गया. And this is cursor sign. यहाँ पे cursor हो गया. And next this is recycle bin. ये recycle bin का symbol है. So this is recycle bin. Next question number. Write the full form. इन सभी का हमें full form लिखना है.
तो रैम का क्या हो जाता है, चलिए मैं लिखकर बताते जाती हूँ। RAND OM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है रोम। रोम का हो जाता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। एंड सीडी। सीडी का फुल फॉर्म हो जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट एमबी। एमबी का मतलब हो जाता है मेगा बाइट। एंड केबी। केबी का हो जाता है किलो बाइट। तो चलिए ये हम देख लेते हैं, सी डी का कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया और एम बी का हो गया मेगा बाइट एंड के बी का हो गया किलो बाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। राइट एनी टू, दो डेस्कटॉप आइकॉन हमें बताना है। टू डेस्कटॉप आइकॉन जो आप हम डेस्कटॉप पे सिस्टम ऑन करते समय डेस्कटॉप पे जो हमें टू डेस्कटॉप आइकॉन दिखता है वो हमें लिखना है। तो पहला हमारा हो जाता है रिसाइकिल बिन। रिसाइकल बिन। एंड दूसरा दिस पीसी या डॉक्यूमेंट भी हम लिख सकते हैं। ये दो ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। रिसाइकल बिन, एक मिनट, RECYCLE रिसाइकल बिन हो गया। यहाँ पे कैपिटल में आर हो जाएगा रिसाइकल। चलिए इसको मैं लिख कर आपको फिर वीडियो आगे। चलिए देख लेते हैं, डेस्कटॉप आइकॉन, रिसाइकल बिन एंड डॉक्यूमेंट। एंड दूसरा हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ए विंडो एंड सेकंड लिनक्स। थर्ड क्वेश्चन नंबर, नेम एनी टू इनपुट डिवाइस। यहाँ पे दो इनपुट डिवाइस लिखना है, तो ए हो जाता है कीबोर्ड और नेक्स्ट माउस। नंबर फोर, नेम एनी टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहला हो जाता है पेंट ब्रश और दूसरा हो जाता है अपना एमएस वर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखेंगे। राइट आई फॉर इनपुट डिवाइस एंड ओ फॉर आउटपुट डिवाइस। इसमें से हमें इनपुट डिवाइस के आगे आई लिखना है, आउटपुट डिवाइस के आगे ओ लिखना है। तो पहला हमारा हो जाता है मॉनिटर। मॉनिटर हमारा हो जाता है आउटपुट डिवाइस। हेडफोन। हेडफोन भी हमारा हो जाता है आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा होता है इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट प्रिंटर। प्रिंटर इज अ आउटपुट डिवाइस। माउस। माउस इज अ इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट हो गया स्कैनर। स्कैनर इज अ आउटपुट डिवाइस, सॉरी स्कैनर इज अ इनपुट डिवाइस। एंड नेक्स्ट हो गया हमारा स्पीकर। स्पीकर इज अ आउटपुट डिवाइस। एंड माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज अ इनपुट डिवाइस। ये हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। तो ये थे आपके पैराडिक फर्स्ट कंप्यूटर्स के रिवीजन क्वेश्चंस एंड आंसर। आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा। ऑलमोस्ट क्वेश्चन पैराडिक टेस्ट में इसी में से आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। आपको इस वीडियो में किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे लगे, प्लीज़ हमें कमेंट में अवश्य बताएं। नेक्स्ट हम आपको क्लास थर्ड से ही हिंदी और मैथ के पेपर भी लेकर आने वाले हैं। अभी तक मैंने आपको EVS, कंप्यूटर्स एंड सॉरी ये नाम यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कंप्यूटर कंप्यूटर्स इंग्लिश और EVS इन तीन पेपर के पैराडिक टेस्ट के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।
और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, बाय बाय।